हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक काढ़ा शेयर करने जा रही हूं जो कि बहुत ही लाभदायक है। आपको कभी भी आप इसको पी सकते हैं। अगर आप इसको सुबह में पिए तो ज़्यादा बेनिफिट है। अभी वेदर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो ये काढ़ा आप ज़रूर बना के पिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, एक कप यहाँ पर हमें लेना है वाटर। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 4-5 ये लौंग और काली मिर्च, अदरक घिस के ले लेंगे और तुलसी के पत्ते 8-10 ले लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को पानी के अंदर डाल देंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च और लौंग को डाल दिया है। और फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये टी अगर हम बना के रेगुलर पीते हैं तो जो हमें सर्दी जुकाम एलर्जी इस टाइप से जो भी प्रॉब्लम होती है उनसे हम बच सकते हैं। तो और अब इसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। कभी आपको फीवर हो कुछ हो तो आप उस समय भी इसको अगर पिए बना के तो आपको बहुत फ़ायदा होगा काढ़ा से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो ये जब एक कप का आधा कप बचता है या थोड़ा सा कम हो जाता है तब इसको हमें क्या करना है कि छान के और फिर हमें उसको पीना है। आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। पहले हमें इसमें उबाल आ गया है, इसमें हमें केवल 1 पिंच के करीब इसमें हमें चाय पत्ती डालना है जिससे कि एक फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 पिंच जैसे चाय पत्ती डाल रही हूँ, कलर भी अच्छा आ जाएगा और उसमें बहुत अच्छा लगेगा। आप इसके अगर आप ऐसे ही पिए तो बहुत फ़ायदा है। अगर आप ऐसे नहीं पी सकते हैं तो आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं, हनी डाल के पिए। तो यहाँ पे हमारी टी रेडी हो गई है। अब मैं इसको छान लेती हूँ। इसको छान लिया है मैंने। इसको आप इस टाइम पे ज़रूर पिए, वेदर जैसे चेंज होता है तो मॉर्निंग या आप कभी भी पी सकते हैं। तो ये टी और टी भी बोल सकते हैं, काढ़ा भी बोल सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे लेमन भी यूज कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टी या काढ़ा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ। Thanks for watching my video. Bye bye.